बाहरी प्रदेशों में फंसे हिमाचलियों का प्रदेश में लाने का सिलसिला निरंतर जारी है। ऐसे में किसी भी प्रकार की चूक से कोरोना महामारी के फैलने की आशंका प्रबल हो जाती है। इसको लेकर सरकार व प्रशासन को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। हमीरपुर में बाहर से आए लोगों में से अचानक 15 पॉजिटिव आने के बाद पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल बन गया है, जिसका असर मंडी में भी देखने को मिला। हमीरपुर में पॉजिटिव केसों की तादाद में बढ़ोतरी की सूचना मिलते ही लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है। यही कारण है कि मंडी शहर की इंदिरा मार्केट सहित बाजार में कम ही लोग खरीदारी को बाहर आ रहे हैं। खरीदार न होने के कारण व्यापारी भी परेशान हैं। इंदिरा मार्केट के व्यापारी टोनी ने मार्केट में क्रम ग्राहक होने का कारण प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केसों में बढ़ोतरी को करार देते हुए सरकार व प्रशासन से इसे गंभीरता से लेने की अपील की। कि जो जैसा कि हमीरपुर में नेगेटिव जो थे वो बाद में पॉजिटिव आए, उसमें किसी की भी गलती रही हो, लेकिन उस पॉजिटिव आने से यहाँ पर भी लोगों में भय का वातावरण बना हुआ है, क्योंकि यहाँ भी बहुत ज्यादा लोग बाहर से आए हुए हैं, जो बच्चे पढ़ने गए थे या जो कोई बाहर नौकरी करते थे या किसी भी रूप में वो यहाँ आए हुए हैं और बाजारों में घूमे हुए हैं। हमारा सरकार से अनुरोध है कि कृपया सख्ती से उनको देखा जाए और ऐसे उनको बाजार में ना घूमने दिया जाए। मतलब ये जो हमीरपुर की घटना हुई है, इससे यहाँ में मंडी में भी लोगों में डर की भावना पैदा हो गई है और उन लोगों ने घर से निकलना छोड़ दिया। सुबह से सर बाजार, ये जो मार्केट है, आप पूरा इसमें कैमरा घुमा दीजिए, अगर आपको कोई नजर आ रहा है तो बता दीजिए। सर दुकानदारी घूम रहे हैं अभी, हम तो होप पे चल रहे हैं कब माहौल ठीक, वातावरण जो है ठीक हो और हम अपना कारोबार करें। वहीं इंदिरा मार्केट व्यापार मंडल के प्रधान अशोक शर्मा ने सरकार से बाहर से आ रहे लोगों को सही ढंग से क्वारंटाइन करने व इस मसले को हल करने के लिए सख्त कदम उठाने की अपील भी की। मैं अशोक शर्मा, प्रधान इंदिरा मार्केट व्यापार मंडल मंडी। प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से जो है लोगों में दहशत फैली हुई है। इस दहशत के कारण जो है मंडी शहर भी इसमें अछूता नहीं रह पा रहा है। ताज़ा अगर देखें 15 लोग जो कल पॉजिटिव हमीरपुर से आए हैं, उसका इतना असर हुआ है इंदिरा मार्केट में कि एक भी आदमी सुबह से दिख नहीं रहा है, सारा बाजार खाली पड़ा है और इस वजह से जो है दुकानदार भी बड़े परेशान हुए पड़े हैं। मैं आग्रह करूंगा प्रशासन से और सरकार से भी कि इस तरह के मामलों में कोई ढिलाई ना बरते और नियमों का पालन करवाते हुए कोई भी गलती से, जैसे कि पिछले कल 15 आदमियों का हमीरपुर में हुआ, उस वजह से मंडी में भी कोई ऐसी वारदात ना हो जाए। तो मेरी गुजारिश रहेगी प्रशासन से भी कि इसमें कड़ाई से पालन करते हुए दुकानदारों के बारे में भी सोचें और लोगों की सेहत के बारे में भी सोचें।